अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बेकिंग विद अस। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी विंग, जिसके लिए मैंने हाफ केजी विंग्स लिए हैं। विदाउट स्किन है ये, आप स्किन वाली ले सकती हैं। अब मैं डालूँगी गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, आपके पास गार्लिक पेस्ट है तो वो डाल सकते हैं। जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया 1 टीस्पून, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून। ऑयल डालेंगे, टू टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग घोल कर वो डालेंगे हम। लेमन जूस डालेंगे 1 टेबल स्पून, या आप सिरका डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। अब इसके अंदर 1 अंडा मिलाएंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसमें अंडा अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। ये 4 टेबलस्पून हो गया, ठीक है। अब इसको इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही भी जाएगा। हमारा ऑयल गरम हो गया है, लेकिन हमने नॉर्मल रखा है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना। अब हम इसे डालेंगे। इसको भरेंगे नहीं, बस जितने आराम से आ जाए वही डालेंगे, ज्यादा भरेंगे नहीं। इसको 5 मिनट तक हम ऐसे ही धीमी दरमियानी आंच में फ्लेम में बनाएंगे। कभी न हिलाएंगे, ना चमचा डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उलट पुलट नहीं करेंगे। अब इसको कर देंगे, एक साइड से हो गया है हमारे, कोटिंग अच्छी हो गई है, उतरी नहीं है। अब इसको दूसरे साइड से करेंगे हम नॉर्मल फ्लेम। विंग्स हमारी हो गई है फ्राई, अब इनको निकाल लेती हूँ मैं। बिल्कुल भी कोटिंग इसकी उतरी नहीं है और इसकी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए हमारी विंग्स, स्पाइसी विंग्स रेडी हो गए हैं। इस पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैं थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखी, उसको शेयर ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। और जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन फ्रेंड्स को मैं थैंक यू कहती हूँ।